लद्दाख में चीन की आक्रामक कार्रवाई के बाद अमेरिका ने चीन को भारत समेत कई देशों के लिए खतरा बता दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि चीनी सेना के खतरे में निपटने के लिए अमेरिका एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाएगा। बेकाबू होते जा रहे चीन की घेराबंदी अब तय हो गई है। लद्दाख में भारत के मुंहतोड़ जवाब का सामना कर रहे चीन को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि वह चीन के आक्रामक रुख का जवाब देने के लिए अमेरिका एशिया से अपनी फौज को बढ़ाने जा रहा है। भारत और अपने मित्र देशों के लिए चीन को खतरा बताने वाले पोम्पियो ने चीन को चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका सेना उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करने को तैयार है। अमेरिका की ये चेतावनी खोखली नहीं है। चीन के आसपास अमेरिका के इतने बेस मौजूद हैं कि वो ड्रैगन को आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिका ने पहले ही ताइवान के करीब अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है, जिसमें से 2 ताइवान और बाकी मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वहीं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियन जापान के पास गश्त लगा रहा है। प्रशांत महासागर में तैनात ये 3 विमान वाहक हैं यूएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएस निमित्ज और यूएस रोनाल्ड रीगन हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2,00,000 से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान तैनात हैं। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।